अस्सलाम वालेकुम, कैसे मियाँ आप लोग, कैसे मिजाज आप लोग के हमालिए मियाँ, हैदराबाद से यूपी आलिए मियाँ। अरे टोपी बहुत तो फुदक रही मियाँ, लाल वाली टोपी। अभी हमसे कह रहे समर्थन दे दो, समर्थन दे दो, कुछ ही हो जाए, अब की बारी योगी नहीं आना चाहिए यूपी में। हमने कहा मियाँ तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर और टिफिन में बिरयानी पैक करवा के लाए। तो बात दरअसल ये है, देखिए खौफनाक मंजर हो जाएगा अगर दिक्कत हो गई तो। उससे पहले ही हमने कंट्रोल में कर ली चीजें, मैं बता रहा हूँ आपको, कसम खुदा की अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो शाहीनबाग 2 बन जाएगा। शाहीनबाग 2 वहीं पर रहेंगे लोग, वहीं पे एंजॉय करेंगे, वहीं पे खाना होगा, वहीं पे सब चीजें होंगी। पैसे की तो आपको पता ही है हमारे पास कभी कमी नहीं रही है, कभी कोई पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है, कभी कोई पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है, कभी झाड़ू से सफाई हो जाती है, तो कभी आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस वही बात है, अब की बार देखिए, अब की बार योगी की नहीं बल्कि अखिलेश की सरकार। हम लोग तो सब, अरे तू भी आ जा, तू भी खून चूस ले मेरा। तो क्या करें मियां, जब से ये शुगर वुगर हुई है तब से दिक्कतें बढ़ गई मेरी तो यार, दाढ़ी अच्छी लग रही मेरे पे दोबारा से। बहरहाल आपको ये बताना चाह रही कि हमारा इंशाल्लाह जिस तरीके का हमारा जज्बा है वो कायम रहे, ऊपर वाला हमारा परचम बुलंद करे और हम यूपी के अंदर अखिलेश, मैं और हमारी सबकी गठबंधन की सरकार बने, मजा आए। मैंने तो बोल भी दिया था अखिलेश को, मैंने कहा तुम्हारी दिक्कत पता है क्या है मियाँ, तुम्हारे आगे अगर फरिश्ता भी खड़ा हो जाए ना तो तुम मुझसे ये नहीं मांगोगे मुझे जिता दो, तुम मुझसे ये मांगोगे कि योगी को हरा दो। तो मैं यही बोल रहा है तुमसे, जो मांगना है मांग लो, फरिश्ता आ गया हैदराबाद से तुम्हारे पास। अरे हम तो जो मर्जी बयान दे देते हैं, हमसे जो मर्जी कहलवा लो, हमारे कंधों पर बंदूक रखो ना मियाँ, वाजिब पैसे दो और बंदूक रखो अपनी कंधे पे हमारे। वक्त बदलते, समय बदलते, टाइम नहीं लगता है, टाइम बदलते टाइम नहीं लगता है, बस वो है कि आपको पकड़े रहना है जो भी चीज करनी है। और आपको तो मालूम ही है कि मैं जब एक बार कोई चीज को करने बैठ जाता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ मियाँ। अब जैसे मेरा भाई पिलपिला रहा था, घर पे बांध के आया हूँ हैदराबाद में, चेनों से जंजीरों से जगड़ करके आया, मुंह के ऊपर पट्टा डाल के आया उसको, क्या पता कल को क्या बोल दे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये हटा लो, वो हटा लो, फिर रोता फिर माफिया मांगता, फिर ऐसी बात करनी क्यों है, अंदर रखो ना अंदर, जैसे हम लोग सालों से अंदर रखे हुए हैं, फिर एक बारी मौका मिले बूम, पैसे भी कमाओ और नाम तो खैर हो ही जा रहा है तुम्हारा, या गलत कह रहे हैं। और इस बार की जो बिरयानी है वो काफी महंगी पड़ने वाली है अखिलेश को हम बता दें, ये लाल टोपी मेरे को खरीदना चाह रही मियाँ, मेरे चार मीनारा की कसम मुझे खरीदना चाह रही है, खरीदो भैया, हम तो बिकने को तैयार हैं, हमारे पास और रह गया क्या बिकने के अलावा, लेकिन अब पैसे ऐसे लेंगे कि भैया तुम भी बिक जाओगे, समझ में आ रही। तो ठीक है फिर मैदान में मिलते हैं और इकट्ठी कर लो तुम आसपास बुआ भतीजे, अपने अब्बा जान से पूछ लो, चाचा जान आ गए क्या करना है अब, ताकि फिर चाचा तुम्हारे रियल वाले चाचा जो हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। अरे यार घर की बात बाहर मत लेकर गया ना बेटू, करते हैं जो भी है मस्ती से मस्त मजा लेंगे, घर आ रहा हूँ भाभी के हाथ की चाय जरूर पीऊंगा, डिंपल भाभी की रखता हूँ अभी, बाय बाय।